लेसन फोर्टीन दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट सो चिल्ड्रन लेट स्टार्ट द रीडिंग यू माइट है गेम हाउ स्टडी स्टडी इज योअर हैंड आप ये गेम खेलते हो आप देखते हैं कि किसका हाथ कितनी देर तक सीधा रहता है सजेस्टेड इन चैप्टर ट्वेल्व ऑफ क्लास सिक्स में आपने यह देखा होगा इफ नॉट यू मे ट्राई नाउ अगर नहीं की तो आप कर भी सकते हैं पहली एंड भूजो है गेम बाय कनेटिंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सजेस्टेड इन क्लास सिक्स जो आपको क्लास सिक्स में भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है उसमें ये पहेली और बूझा दो, दो बच्चे हैं ये एक गेम खेल रहे हैं कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक सर्किट को दे हैव लोड्स ऑफ फन ट्राइंग इट विद देर फैमिली एंड फ्रेंड और फ्रेंड्स वो काफ़ी सारे यहाँ पे फन दिखा रहे हैं फन कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दे इन्जॉयड एट सो मच दैटाइडेड टू सजेस्ट एट जो आर कजन ऑफ़ देअर हुटेट इन आ डिफरेंट टाउन्स और वो उसको इतना इन्जॉय कर रहे हैं कि वो मतलब सजेस्ट कर रहे हैं अपने जो कजन्स हैं जो दूसरे टाउन में रहते हैं कि वो भी करें सो so, पहली मेरा नीट ड्रॉइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट वर्ड टू तो बी कनेक्टेड और पहली यहाँ पे क्या है कि एक ड्रॉइंग बना रही है इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स की कैसे कनेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख भी रहे हो सो so, चिल्ड्रन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक सेल है सेल को कनेक्ट किया है पिन से और यहाँ पर ट्रिब्यूनल का नाम भी लिखा हुआ है जैसे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव और आपने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल में एक नेल नेल से कनेक्ट किया है उसके बाद फिर यहाँ पे एक नेल से और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को एक पिन से कनेक्ट किया है यहाँ से एक वायर जा रहा है उसके बाद वायर को यहाँ पे इन्होंने एक की से कनेक्ट किया है आप यहाँ देख रहे हो तो चिल्ड्रन कैन यू ड्रॉ द सर्किट कन्वीनियंटली क्या ये सर्किट आप कन्वीनियंटली ड्रॉ कर सकते हो अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया है सेल ले रखा है पेन है दो नेल्स ले रखी हैं और एक बल्ब ले रखा है यहाँ पर बल्ब दिखाई दे रहा है ना चिल्ड्रन ये यह बल्ब यहाँ दिखाई दे रहा है तो बल्ब ले रखा है इट मेड बूजो वंडर इफ देर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट आप बूजो को काफी मतलब वो सोचता है यदि हम इसको इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट को काफी ईजिली हम इसको अगर ड्रॉ कर पाते तो यहाँ पे सिंबल्स हैं कुछ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट सिंबल्स इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे सम कॉमन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट कैन भी रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स आपने सिक्स में भी पढ़ा होगा कि हम जो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स है उसको सिंबल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे टेबल फोर्टीन पॉइंट वन दिखाई भी गई है चिल्ड्रन सो चिल्ड्रन सम इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट एंड देर सिम्बल्स आर शोन यू मे कम एक्रोज डिफरेंट सिम्बल फॉर दिस कॉम्पोनेंट इन डिफरेंट बुक्स हाउ इन दिस बुक वी शेल बी यूजिंग द सिम्बल शोन है तो so, हम वहाँ पे फोर्टीन पॉइंट वन में हम सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेट के लुक एट द सिम्बल केयरफुल आपको इस सिम्बल्स काफी ध्यान से देखने हैं इन द सिंबल फॉर अ इलेक्ट्रिक सेल तो चिल्ड्रन जो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिम्बल है नोटिस दैट आप देखो यहाँ पे कि एक लॉन्गर लाइन बनी है और एक शॉर्टर और थिक पैरल लाइन्स बनी है डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है इन द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन जो लॉन्गर लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को ये ध्यान रखना है आपको कि लॉन्गर लाइन जो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को करती है और शॉर्टर लाइन करती है नेगेटिव टर्मिनल को एक है फॉर अ स्विच स्विच के लिए आपको पता है दो पोजिशन होती हैं स्विच की एक ऑन पोजिशन होती है और एक ऑफ होती है तो जो पोजिशन रिप्रेजेंटेटिव बात सिंबल इसमें सिंबल होता है जैसे कि ऑन पोजिशन के लिए आपने देखा होगा कि कि यहाँ पे ऑन पोजिशन में क्या करते हैं हम आगे मैं टेबल में भी समझाऊंगी भी आपको कि ऐसे करके ये दो की होती है और इसमें वायर कनेक्ट होता है तो और वायर कनेक्ट होता है एंड द ऑफ पोजिशन में वायर कनेक्ट नहीं होता द वायर इज़ टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन और वायर को हम जो वायर होता है उसको हम एक लाइन से दिखाते हैं इन बैटरी एंड इट सिम्बल्स आर ऑलसो शोन बैटरी का भी सिम्बल दिखाया गया है बैटरी का सिंबल जैसे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक सेल को आप ज्वाइन कर दो कि आपने इलेक्ट्रिक सेल ज्वाइन कर दिए ऐसे तो वो क्या बन जाती है बैटरी बन जाती है कैन यू मेक आउट वाटर बैटरी कुड भी क्या तुम ऐसे बैटरी बना सकते हो फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन और वन सेल हमें कितनी एक्टिविटीज़ के लिए एक से ज़्यादा सेल चाहिए से होते हैं वी कनेक्ट यूअर मोर सेल टुगेदर ए शोन इन फिगर फोरटीन पॉइंट टू और हम क्या करते हैं दो या है, दो से ज़्यादा सेल को भी क्या कर सकते हैं सो चिल्ड्रन हेयर ये टेबल फोर्टीन पॉइंट वन में आप सिंबल देखोगे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल आप देखो यहाँ पे इस तरह से ड्रा हो रहा है ये सिंबल एक ये लॉन्ग लाइन है और छोटी आपको पता है ना लॉन्ग लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस प्लस साइन से दिखाते हैं और जो शॉर्टर ये शॉर्टर लाइन है नेगेटिव टर्मिनल है ने इसको माइनस नेगेटिव का मतलब माइनस से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या है कि आपको ये बल्ब दिखा रखा है ग्लो करते हुए ऐसे ये बल्ब का सिंबल है यहाँ पे देखो ऑन जब ऑन होता है तो हमारा ये यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये कनेक्ट है ऑन में ये आ, क्या है की जो है वो कनेक्ट है और यहाँ पे देखो ये पिन का भी दिखा रहा है और ऑफ पोजीशन में क्या है कि ये जो की है ये आपस में कनेक्ट नहीं होती कि यहाँ पे जो ये जो ये लाइन ज्वाइन होती है ज्वाइन हाँ के ऊपर की तरफ होती है लाइन ये ऑफ पोजीशन होती है बैटरी यहाँ पे आप देख रहे हो एक दो सेल यहाँ पे दो तीन सेल इन्होंने क्या करा कि कनेक्ट कर रखे तो बैटरी बन जाती है और वायर के लिए क्या है एक स्ट्रेट लाइन है वायर के लिए सो चिल्ड्रन दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिन टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल का कनेक्ट करते हैं से तो सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सेल को इसे क्या बोलते हैं हम बैटरी यू हैव टू लर्न लर्न करना है आपने देखा होगा सबके अंदर बैटरीज होती है हाव एन समीज द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फोर्टीन पॉइंट टू तो ऐसे नहीं है कि हर हर डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल है वो एक के बाद एक ही एक के बाद एक ही प्लेस हो जैसे फोर्टीन पॉइंट टू में दिखाया है आपको सम टाइम द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड कभी कभी सेल जो है साइड बाय साइड लगते हैं देन हाउ द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड तो कैसे कनेक्ट होते हैं लुक केयरफुल इन साइड बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस अब किसी भी डिवाइस का जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो देखो केयरफुली अगर देखोगे इज यूजुअली थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप तो वहाँ पे एक आपको मोटा सा वायर और या फिर मेटल स्ट्रिप दिखाई देगी वो क्या करती है कनेक्ट करती है पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जो जो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट होता है पॉजिटिव को नेगेटिव से फिर नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आएगा फिर, फिर नेगेटिव ऐसे चलना होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल तो नेक्स्ट सेल से कनेक्ट करती है इन ऑर्डर टू हेल्प यू आर प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर आपने देखा होगा आप कभी भी सेल को देखो, देखोगे जैसे प्लस और माइनस जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं ताकि वो आराम से कनेक्ट हो जाए कि प्लस को माइनस uh, को प्लस प्लस uh, से फिर प्लस को माइनस में ताकि साइन अपोजिट होने चाहिए हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर और एक्टिविटीज़ को कैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कनेक्शन दिखा चलो यहाँ पे देखो आप कनेक्शन दिखा रखा है ना सेल का यूजिंग अ आप यहाँ पे यूजिंग अ वुडन ब्लॉक टू आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड्स लेके भी आप बना सकते हो बैटरी इट इज नेसेसरी देखो ये साइड बाय साइड ही कनेक्शन देखो साइड बाय साइड दिखा रखा है ये चल रहा है ना ऐसे फिर ये ऐसे चल रहा है फिर इस तरह से चल रहा है ना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जुड़ेगा ये कनेक्शन टू सेल टुगेदर टू मेक अ बैटरी सो यहाँ पे दिखाया गया है देखो ये ये कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे देखो ये टू सेल्स से हैं यहाँ पे ये मेटल स्ट्रिप लगी हुई है फिर इसको रबर बैंड भी देखो यहाँ रबर बैंड लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे सेल होल्डर से इन्होंने बैटरी बना रखी है ये द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली और जो ये रबर बैंड है इससे क्या है ये जो मेटल ये आपने देखा होगा मेटल जो स्ट्रिप्स हैं ये काफी होल, होल्ड होल्डली इन्होंने टाइट कर रखी है दोनों मेटल की स्ट्रिप्स देख रहे हो ना आप ये मेटल की स्ट्रिप्स है इसको इन्होंने रबर बैंड से टाइटली इसको होल्ड कर रखा है सो चिल्ड्रन यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट और मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल अभी होल्डर सेल होल्डर्स खरीद के मार्केट से बैटरीज बना सकते हो प्लेस द सेल इन दैम प्रॉपरली आपको सेल को प्रॉपरली करना है आपको पता बताइए पॉजिटिव क्या करना है आपको पॉजिटिव टर्मिनल को वन सेल की कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द नेक्स्ट सेल आपको वही है कि पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को माइनस नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है आपको सो so, चिल्ड्रन कनेक्ट कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर आर शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट फाइव यहाँ भी एक फिगर दिखाई गई है इसमें देखो कनेक्ट कर रखा है इन्होंने टू यहाँ पे टू वायर्स भी लगा रखे हैं योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी आपको पता ही है सिंबल आपको पता चल गया ना बैटरी का क्या होता है कि दो अगर हम टू टू और मोर सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी का सिंबल कैसे आएगा इस तरह से चलते रहेंगे सेल यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है फोर्टीन पॉइंट वन एक्टिविटी है मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट सेवन आगे आपको फोर्टीन पॉइंट सेवन में एक सर्किट दिखा रखा है यू यूज us, आपको ये सर्किट ये दिखा रखा है ना आपको सर्किट देखो चिल्ड्रन यहाँ पे ये सर्किट मार रखा है ना ये देख रहे हो आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हो ना यहाँ पे ये सर्किट मार रखा है ये ये इन्होंने सिम्बल्स का यूज करके बनाया है तो चिल्ड्रेन हेयर एक्टिविटी इज गिवन मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शॉन इन फिगर फोटीन पॉइंट सेवन आपको ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट आपको सिंबल्स का यूज करके बनाना है यू यूज़ अ सिमिलर सर्किट इन क्लास सिक्स टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो आपने ये सिक्स में भी किया होगा आपने इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करने के लिए सर्किट बनाया होगा डू यू रिमेंबर दैट बल्ब ग्लोज ओनली वन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजिशन आपको पता है यह बल्ब कब ग्लो करता है जब हमारा स्विच कौन सी पोजिशन में होगा ऑन और आप, आपको पता है ना ऑन की की गए ज्वाइंट करती है ऐसे एंड द कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक आप ये एक सर्किट नोटबुक में बना सकते हो मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट अब ऐसे सर्किट डायग्राम आप ये सिम्बल्स यूज करके किसी भी इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट का जो सिंबल यूज करके, करके आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट एट क्या आपका डायग्राम जो है वो फोर्टीन पॉइंट एट जैसा है अब यहाँ पे फिगर फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन में भी आपने एक यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है शोज अनदर सर्किट डायग्राम इट इज आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फोर्टीन पॉइंट एट इन विच वे इट इज डिफरेंट आप दोनों सर्किट डायग्राम्स को कंपेयर करो आपको क्या है? सेम लग रहे हैं ये वुद द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली वैन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज आपको पता है कि अगर स्विच ऑन पोजिशन में है तो बल्ब ग्लो करेगा और अगर स्विच कैसी पोजिशन में ऑफ पोजिशन में तो बल्ब क्या करेगा ग्लो नहीं करेगा और यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे तो सेल है पिन बल्ब इस तरह से दिखा रखा है फिर उसको हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखा है अपने यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये देखो ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ का स्विच इसका कैसे है ऑन पोजिशन में है इसका स्विच ऑन पोजिशन में है और यहाँ पे ये देखो सर्किट डायग्राम फोर्टीन पॉइंट नाइन में देखो यहाँ पे क्या है स्विच जो है ऑफ पोजिशन में है तो बल्ब क्या है ग्लो नहीं कर रहा यहाँ पे बल्ब क्या है बस ओनली बल्ब है यहाँ पे ग्लो नहीं ऐसे करके वो ग्लो नहीं कर रहा तो चलो ये डिफरेंट आपके सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं एक ऑन पोजिशन ये यहाँ पे ये ऑन पोजिशन का दिखाया गया है ये वाला ऑन पोजिशन का दिखाया दिखाया गया है और ये वाला किसका दिखाया गया है ये यह आपको यहाँ पे ऑफ पोजिशन में दिखाया गया है देख रहे हो ना आप ये सो चिल्ड्रन इन द बल्ब देर इज अ थिन वायर कॉल्ड कॉल्ड द फिल्मेंट आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक छोटा सा वायर होता है जिसको बोलते हैं फिलाेंट विच ग्लोज वैन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रो इट जब ये ग्लो कब करता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो आप स्विच ऑन करके वन द बल्ब गेट फ्यूज इट्स फिलाेंट इज ब्रोकन आपने देखा होगा जब वो फिलाेंट छोटा सा टूट जाता है तो बल्ब क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है तो इफ द फिल्मेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कम्प्लीट अगर ये फिलाेंट अगर टूट गया है बल्ब का तो क्या सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा वुड द बल्ब स्टिल ग्रो बल्ब क्या ग्रो करेगा यू माइट है ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वॉर्म डो यू नो वाई आपको पता है ना कि जो बल्ब जलता हुआ बल्ब होता है वो कैसा होता है गर्म होता है और जो फ्यूज बल्ब कैसा होता है ठंडा तो ये आपने देखा होगा चलो यहाँ पे ये देखो ये ब्लू बॉक्स देखो लुकेट द्लू बॉक्स नोटिस दैट द की और की और स्विच कैन बी प्लेस एनिवियर इन द सर्किट आप क्या कर सकते हो कि जो ये की है यह स्विच है ये सर्किट के किसी कहीं भी लगा सकते हो देखो ना कि एक बार ऊपर लगा रखा है यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा होगा एक बार यहाँ पे देखो ये की यहां पे नीचे लगा रखी है और इस वाले में ऊपर लगा रखी है तो की कहीं भी लगा सकते हो और वैन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन जब स्विच हमारा ऑन पोजिशन में होता है द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कम्प्लीट अगर स्विच हमारा ऑन पोजिशन में है तो हमारा सर्किट कैसा होगा कम्प्लीट होगा द सर्किट इज़ दैन सेट टू बी क्लोज एंड द करंट फ्लो थ्रो आर द सर्किट इंस्टेंटली तो सर्किट हमारा इसको इस टाइम क्लोज कहेंगे क्योंकि हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इसके अंदर और वैन द स्विच इज़ इन द ऑफ पोजिशन और जब हमारा स्विच जो होता है ऑफ पोजिशन में होता है तो सर्किट कैसा होता है इनकम्प्लीट जो सर्किट इनकम्प्लीट होता है इट इज़ सेट टू बी ओपन तो इसको हम कहेंगे ओपन क्योंकि यहाँ पे क्या है जो की है वो ऑफ है नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट और सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है और बल्ब हमारा क्या करेगा वो ग्लो नहीं करेगा सो चिल्ड्रेन टूडे विल